और नेटो में शामिल होकर दुनिया के सबसे खुशहाल देश फिनलैंड ने बहुत बड़े युद्ध को बुलावा दे दिया है। पुतिन ने 350 परमाणु बमों को सिर्फ फिनलैंड के लिए रिजर्व कर दिया है और ये सभी परमाणु बम फिनलैंड के काफी करीब पहुंच गए हैं। नाटो फिनलैंड के रास्ते रूस को घेरने में लगा था और पुतिन है जिन्होंने फिनलैंड में ही नाटो सेना की कब्र खोदने की कसम खा ली है। पूरी दुनिया को अब यही खौफ सता रहा है कि परमाणु हमला होने वाला है। फिनलैंड के पूरब में कितने प्रलयंकारी परमाणु बम हमले के लिए तैयार हैं? फिनलैंड के पूरब में रूस की न्यूक्लियर फोर्स कितने और परमाणु बम पहुंचा रही है? फिनलैंड की सीमा से सटे मौजूद रूस का परमाणु गोदाम अभी कितना भरा हुआ है? फिनलैंड के पड़ोस के समंदर में रूस के परमाणु हथियारों की गश्ती क्यों बढ़ गई है? क्या फिनलैंड में समंदर के रास्ते परमाणु सुनामी आने वाली है? ये सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि रूस के पड़ोस में नाटो की सेना जमा हो रही है। फिनलैंड की सुरक्षा के लिए नाटो के टैंक फिनलैंड पहुंचेंगे। नाटो की घातक मिसाइलें रूस की सीमा के करीब लगाने के लिए फिनलैंड आएंगी। नाटो के लड़ाकू विमान फिनलैंड में लैंड होंगे। रूस को नजर में रखकर नाटो फिनलैंड में अपने हथियारों का नया गोदाम बनाएगा, जहां रखे एक एक हथियार पर पुतिन की सेना का नाम होगा। यही वजह है कि रूस की सेना भी अपनी नजर फिनलैंड सीमा की ओर कर रही है। फिनलैंड के बॉर्डर पर रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर देख चुके हैं। रूस के ये ऐसे बॉम्बर हैं जो आसमान के रास्ते परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के फैसले के बाद रूस ने अपनी पश्चिमी सीमा पर और 12 मिलिट्री यूनिट तैनात कर दिया था। अब फिनलैंड के बॉर्डर पर रूस की बटालियन 24/7 चौखन्ना रहने वाली है, क्योंकि रूस को अब फिनलैंड सीमा पर नाटो से दो दो हाथ करना है। ऐसे में सवाल है कि क्या फिनलैंड के नाटो में शामिल होने की पहल का जवाब पुतिन परमाणु बम से देने वाले हैं? फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि फिनलैंड के पास मौजूद कोला प्रायद्वीप में रूस ने पनडुब्बियों पर 350 परमाणु बम लगा रखे हैं। सभी परमाणु बम 150 किलो टन की ताकत के हैं, यानी कोला प्रायद्वीप में मौजूद रूस के एक परमाणु बम हिरोशिमा पर गिरे बम से 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। विश्लेषकों का कहना है कि फिनलैंड की नाटो में एंट्री से यूरोप में तनाव चरम पर पहुंचने वाला है, क्योंकि नाटो और रूस की बरसों पुरानी दुश्मनी का सबसे नया एपिसेंटर फिनलैंड बन गया है। फिनलैंड नाटो का ऐसा खूनी दरवाजा बन गया है जिसके एक तरफ पुतिन खड़े हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका की अगुवाई में दुनिया के 31 देशों की सेना है। नाटो का आरोप है कि पुतिन नाटो का दरवाजा बंद करना चाहते थे, हमले की धमकी और युद्ध के नाम पर डराना चाहते थे, लेकिन फिनलैंड का नाटो के दरवाजे से दाखिल होना साबित करता है कि पुतिन विफल हो गए हैं।